तो रोहतक में जो हुआ उसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। सभी की निगाहें इस रोहतक गैंगरेप केस को लेकर है। तो वही रोहतक से बड़ी जानकारी बता दें, गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से किसान नेता मिले हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुलाकात की है, पीड़ित छात्रा के परिवार से मुलाकात की है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने और अपनी सांत्वना प्रकट की है पीड़िता के प्रति, नाबालिग के प्रति और पीड़ित के परिजनों के प्रति। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मुलाकात यह रही पीड़ित परिजनों को और सांत्वना देते नजर आए और साथ ही भरोसा भी दिया है अपनी सांत्वना और कहा कि सांत्वना उनके साथ हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुलाकात की है और इस दौरान एक सहयोग का भाव भी देखने को मिला। हमारे साथ हमारे रोहतक ब्यूरो जुड़ चुके हैं देवेंद्र दांगी। देवेंद्र जी, अभी फिलहाल आप पीड़ित परिजनों के साथ हैं, उनसे एक बार बात कीजिए, पूछिए इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ परिजनों को कहा गया। देवेंद्र, ओवर टू यू। जी शुक्रिया बसंत। हाँ, फिलहाल जो पीड़ित लड़की है, जो गैंगरेप विक्टिम है, उसके रिश्तेदार मेरे साथ हैं। सीधे इन्हीं से मैं रूबरू कराना चाहूँगा दर्शकों को। पुलिस की तरफ से आज मीडिया को बताया गया है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं, सिर्फ रेप हुआ है। एक लड़के का नाम पुलिस ने बताया, क्या कहेंगे आप? देखो, ये मैं शुरू दिन से यही सवाल करने लग रहा था, शुरू दिन से यही बोल रहा था कि ये शुरू से ही बचाने की वो है, जिन लोगों जो इसमें शामिल हैं उनको सभी को बचाया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मेरे प्रशासन के किसी एक अधिकारी ने बताया हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, होटल मालिक को बचाया जाने लग रहा है। बताओ ना, गैंग रेप जो हुआ है हमें तो पता ही, दोपहर को चला है जब स्कूल से फोन आता है प्रिंसिपल का कि आपकी ये वो आए नहीं हुए, आज तो हमें पता लगा कि क्या बात हुई है। उसके बाद ये देखो आप, वहां से उसको उठा लिया गुड़िया को। मैं एक बार रोकना चाहूंगा बीच में, तफसील से सिलसिलेवार ढंग से एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे घटनाक्रम हुआ, आप लोगों को कैसे ये सूचना मिली कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है। सुबह प्रिंसिपल का फोन आता है, प्रिंसिपल का फोन आया कि आपकी गुड़िया आई नहीं है, आज स्कूल नहीं आई है। तो हम पता करते हैं, घर पे पता करते हैं, वहां पे पता किया कि वो नहीं है, फिर आसपास से पता करवाया कि नहीं मिली, तो वीडियो फुटेज से पता लगा कि उसको गाड़ी में उठा के लेके गए। कोई सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ? सीसीटीवी वहां पे गांव के वीडियो, उससे पता लगा कैमरे से कि गुड़िया को उठाया गया यहां से और उसको उठा के ले जाया गया। उसके बाद ये देखो, जिस टाइम पे उसको उठा के ले जाएगा होटल में, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। उसने गुड़िया ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और होटल के अंदर वो गैंगरेप करके उसको वहां छोड़ के चले गए हैं वो। आप लोगों ने पहले भी बात की थी मीडिया से, कार चलती कार में गैंगरेप की बात भी सामने आई थी? हाँ, चलती कार में सब ने, कोई ऐसा नहीं था। देखो, आधे रास्ते पीछे दो आदमी बैठे थे, उन्होंने रेप किया है, फिर गाड़ी रोकी गई है, उनमें सभी ने गलत काम किया लड़की के साथ। कितने लोग थे गाड़ी? उसमें गाड़ी में चार लोग थे शामिल। पुलिस तो कह रही है कि दो लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो मैं तो शुरू से ही कहने लग रहा कुछ लोगों को बचाया जाने लग रहा है, लोगों को बचाया जाने लग रहा है। उसके बाद ये देखो, उसको लेके होटल में गए हैं, स्कूल की ड्रेस में, किसी भी होटल में बगैर आईडी के कमरा नहीं मिलता है, स्कूल की ड्रेस में बच्ची को अंदर ले जाया गया, उसको वीडियो में उसको कैसे खींच के अंदर ले जाया गया। उसके बाद उसको वहां पे गैंग रेप हुआ है, उसके बाद कैसे उनको पता लगा या किसी भी कुछ पता लगे उनको, तो छोड़ के उसको भागे। क्या होटल मालिक का या स्टाफ का ये नहीं बनता था कि उस बच्ची को के साथ ऐसा हुआ है पुलिस को इन्फॉर्म करें, या उनका यह बनता था इस बच्ची को अपने ऊपर से बात हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, बच्ची को अपने उठा के उन्होंने सुप्रा चौक पे उस लड़की को डाल दिया है। इसमें जितने दोषी ये गाड़ी में जितने थे जिन्होंने गैंगरेप किया, उससे ज्यादा दोषी होटल वाला है। अगर स्कूल की ड्रेस में बच्ची को होटल नहीं मिलता, क्या किसी रोड पे पब्लिक में गैंगरेप करते क्या? सबसे ज्यादा बड़ा दोषी होटल है, होटल की एनओसी नहीं है, होटल का कोई कागजात नहीं है, होटल की कोई परमिशन नहीं है, होटल का ये देखो ना, होटल में कोई रजिस्टरमेंट है नहीं, कोई आईडी नहीं है। सर हम ऐसे कर नहीं, ये तो देखो हम आवाज उठाते रहते, काफी प्रोटेस्ट देखे हैं, काफी चीजें देखी है, हमारे जैसे लोगों के साथ ये हो रहा, तो पता नहीं कितने लोगों की आवाज ऐसे दबाई जाती होंगी। पुलिस
क्यों दबाएगी, पुलिस किसी को क्यों बचाएगी, क्या कारण समझ में आता है? पुलिस के ऊपर तो दबाव है। किसका दबाव? शासन के ऊपर किसका दबाव? यहाँ के एक मंत्री का दबाव है, मेरे को एक अधिकारी ने बताया कि यहाँ पे दबाव है। ये बोलेगा कि होटल मालिक मेरे निजी का है, होटल मालिक के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, होटल के वर्करों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। किसने कहा है सर? एक अधिकारी है, जो जांच अधिकारी है, उसने ये बातें मेरे को बताई है। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रेशर है, हमारे पास कॉल भी आई है। उसके बाद देखो गाड़ी वाला मामला, वो अब तक दबाएगा। मैं शुरू से ही जो बात उठाने लग रहा है, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या उनमें से एक भी गिरफ्तारी हुई है? एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज पुलिस ने बताया कि उसमें गैंग रेप तो हुआ नहीं, एक ने रेप किया है और गैंग रेप नहीं हुआ। उस बच्ची को जिसने गाड़ी में जबरदस्ती डाला, गाड़ी के अंदर रेप किया है, उसके बाद होटल में रेप किया। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, अभी कैसे पुलिस ये कहने लग रही है कि गैंग रेप नहीं हुआ? लेकिन पुलिस ने तो जो प्रेस रिलीज जो आज भेजी है, मीडिया कर्मियों को जो उपलब्ध करवाई है, उसमें पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये पहले से जानते थे, ये बच्ची और ये जो प्राइम अक्यूज्ड है साहिल, एक दूसरे को पहले से जानते थे और म्यूचुअल कंसेंट से वो लड़की बैठ के आई है, कोई फोर्स यूज नहीं की गई, कोई दबाव नहीं बनाया गया, ऐसा पुलिस का कहना है। देखो पुलिस का तो क्या है, पुलिस सबको बचाना चाहती है, मैं वही तो कह रहा हूँ। होटल मालिक को बचाना चाह रही है पुलिस, अब तक होटल मालिक का कोई रोल ही नहीं दिखा रही। जी अब देखो ना, एक 14 साल की बच्ची, जो 3 तारीख को 14 साल की, एक 14 साल की बच्ची को होटल लेके गए, स्कूल की ड्रेस में लेके गए हैं और उसके साथ ये किया गया है। और ये पुलिस ये कह रही है कि उसके साथ कुछ फोर्स, पुलिस कैसे बता सकती है? रोज एजेंसी लगा रखी है क्या पुलिस ने? पुलिस ने सीसीटीवी का कोई जिक्र किया है बीच में? पुलिस ने सीसीटीवी का भी, उन्होंने वो रिकवर करके ले गए, DUDR लेके गए हो लोग वहां से। और दूसरी बात ये देखो ना, ये कहने लग रहे हैं गाड़ी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। पुलिस के पास कौन सी रो एजेंसी है, कौन से गाड़ी के अंदर कैमरे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस से कहने लग रहे हैं, जबकि बच्ची ये कहने लग रही मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में डालेगा, मेरे साथ सभी ने रेप किया गया, मेडिकल हो गया है, मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी। अभी तो मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस अपने पास से पीछा छुड़वाने के लिए बोल रही है कि उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ और होटल वाले का कुछ कसूर ही नहीं है। देखो ना इसमें 10 शामिल है, वहां पे गाड़ी वाला, गाड़ी चला के लेके आने वाला, गाड़ी के अंदर रेप हुआ, वो लड़के होटल के अंदर रेप होने के बाद छोड़ के भागे, जो होटल से उसको उठा के बाहर जिन लोगों ने फेंकी है, वो सब शामिल है। होटल वाला तो सबसे बड़ा दोषी है, बगैर एक तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के होटल चलाने लग रहा है। दूसरा यहाँ पे नाबालिग लड़कियों का, 14 साल की कोई बड़ी बच्ची नहीं होती, उन छोटी बच्चियों को 5वीं क्लास, 4थी क्लास की, 10-12 साल की बच्ची को, 14 साल की बच्ची कोई उम्र नहीं होती है, तो समझ नहीं होती है जीवन की, छोटे बच्चों को कोई भी बहका सकता है। उनको क्योंकि नई नई चीजें सर्च करने का होता है, जैसे हम देखते अपनी रिश्तेदारियों में, देते कहीं पे छोटे बच्चों को दे दे, ले फोन ले ले, खेल ले, चल मैं तेरे को दुकान पे लेके चलता हूँ, चॉकलेट दिलाता हूँ, ये कुछ ये चीजें होती हैं बच्चों को, हो जाती हैं चीजें। लेकिन ये देखो ना, सब 25 साल से ऊपर के हैं, सब 30-30, 32-32 साल के हैं, दुगनी उम्र के हैं, और पुलिस उनको ये कह रही है इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ये गाड़ी का जिक्र बार बार आ रहा है, हालांकि आज जो पुलिस ने जो मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ट्वीट भी किया है, पुलिस की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, बाकायदा ट्विटर पे चीजें डाली गई हैं, उसमें गाड़ी का कोई ज्यादा से जिक्र नहीं है। ये गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी तो शुरू से ही बचाई जा रही है। किसकी है वो गाड़ी? मंत्री के किसी मंत्री के करीबी की। मैं शुरू दिन से, जिस दिन ये हुआ उसी दिन मेरे को किसी ने बता दिया गाड़ी वाले का, होटल वाले का इस मामले में कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ कर लो तुम लोग। वही बात मैंने कई दिन पहले भी इंटरव्यू में बताई, मीडिया के सामने भी बताई है, मैंने होटल के बाहर जहां गैंग रेप हुआ था वहां भी मैंने बताया है कि उसको शुरू से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई मंत्री राजनेता आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेगा? नहीं, जब ये कहने लग रहा, चलो मंत्री नहीं कर रहा हो तो शहर का मंत्री है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बार बार ये जिक्र करते हैं, अब तक क्या उसके घर से आधा किलोमीटर दूर ही है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रखा है, पूरा देश हिला हुआ है, एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो रखा, वो एक बार भी उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, पूरा उनका हाथ है इसमें बचाने में। अगर नहीं होता अब तक, ये बताओ ना क्या मजबूरी होगी, होटल अब तक सील नहीं हुआ है, क्या मजबूरी होगी उस होटल में? अब भी आप जाके देखो वहां पे लोग होका पीने लग रहे हैं बैठ के, वहां पे लड़के होका पीने लग रहे हैं, ऐसा क्या अब तक सील नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, होटल मालिक को पकड़ा नहीं गया है, ये कहने लग रहे होटल मालिक नहीं पकड़ेगा। दूसरी बात, ये बिल्डिंग जिसके उस पे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बगैर डॉक्यूमेंट्स के किसी को बना के दे दिया। शहर के अंदर 1000 होटल हैं, बगैर अधिकारियों के, बगैर यहाँ के लोकल मंत्री के, ये चीजें नहीं चलती, हर किसी को पता होता है, इतनी CID की इतनी रिपोर्ट होती है हर दिन, किस होटल में कितने रूम बुक है, कितने रूम खाली है, 1000 रूम यहाँ चलते हैं, हर होटल से वसूली की जाती है, इनको मतलब नहीं, हर होटल से लाखों रुपए ये महीने के लेते हैं, अधिकारी लेते हैं, उच्च अधिकारी लेते हैं, यहाँ के मंत्री लेते हैं, नहीं तो
एक होटल ऐसे नहीं चल सकता, उनके घर में ही बहन बेटियां, उन्होंने ये चीज देखनी चाहिए। 40-40, 50-50 लाख रुपए महीने के इन होटलों से लेते हैं। 1000 होटल हैं, किसी भी होटल में चले जाओ 5, 7, 10 हो सकते हैं मुश्किल से, जो से भी टर्म कंडीशन फॉलो करते होंगे। नहीं तो किसी के पास फायर की एनओसी नहीं मिलेगी, किसी के पास होटल की एनओसी। वो एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है। फिलहाल अपनी इस केस से जुड़ी मैं इस पर फोकस रखना चाहूंगा। मैं आपको रीजन क्या समझ में आता है, क्या सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप है सिर्फ ये है या कुछ और रीजन भी हो सकता है? नहीं, ये देखो वो तो उनकी मानसिकता बताएगी, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अगर पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरे थाने में सचो साहब को छोड़ के किसी ने भी कुछ वो नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो है, आईओ जो बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज, आईओ ने आप लोगों को सारी चीजें शेयर की हैं कि ये फैक्ट निकल के आए? नहीं, आईओ ने कुछ नहीं बताया। आईओ का तो ये भी पता लगा कि होटल वाले से, मैंने शुरू वाले दिन बोला था होटल वाले से 3 लाख रुपए लिया आईओ ने। बड़ा आरोप है आपका। बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ अगर झूठा तो आप मानहानि का केस ठोक दीजिए। मेरे को तो पता लगा, अधिकारियों से पता लगा कि 3 लाख रुपए होटल वाले से लिया, मैं तेरा नाम निकाल दूंगी बाहर। और अब तक वही बात चल रही है, होटल पे कोई कार्रवाई नहीं, होटल सील नहीं हुआ अब तक। जो जो इस तरह अवैध तरीके से होटल चला उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बैठ के तो लोग होका पीने लग रहे हैं, आप जाके देखिए इतना बड़ा मामला हो रखा है। क्या किसी मंत्री के साथ, किसी बड़े अधिकारी की बेटी के साथ ऐसे होता? क्या वहां भी ऐसी कोताही बरती जाती क्या? आपने अनिल विज जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आपने बड़ी तारीफ भी की थी उनके काम की, उनके काम करने का स्टाइल अच्छा लगता है आपको, क्या वहां से कोई रिस्पॉन्स आया, आपने अपील की थी? नहीं, मैं तो अनिल विज जी का इतना देखता था, इतने मतलब एक्शन लेते हैं एक मिनट में, और मैंने तो दो दिन पहले भी कही थी आप पे इतनी अच्छी कार्रवाई करते, जब आप इतने जगह बुलडोजर चलवा दिया आपने हरियाणा के अंदर, आप एक अवैध तरीके से होटल चलने लग रहा है, वहां पे छोटी बच्चियों के स्कूल की ड्रेस में गैंग रेप होने लग रहे हैं, वहां पे उनका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां कैमरे नहीं है, वहां पे बुलडोजर चलवा दीजिए। अगर हरियाणा में एक होटल के ऊपर बुलडोजर चल जाए, कैमरे तो लगे हुए थे वहां पे, वो कैमरे उन्होंने बताया वो खराब है, उसमें कुछ है नहीं, DVR लेके चले गए। DVR में कुछ रिकवर नहीं हुआ, किसने बताई ये बात आपको? ये तो उसी टाइम उन्होंने होटल मालिक के पास जब वहां गए, बोले कैमरे चल नहीं रहे, हमें तो थोड़े दिन पहले होटल लिया, अभी उसने बताया कि हमने अभी होटल लिया, इसका मतलब तो और बड़ी प्लानिंग पा सकती है, होटल अभी लिया उन लोगों ने, ये बोल दिया कि मैंने तो आज ही दिया, उसी दिन उसका गुड़िया का रेप हुआ वहां पे। एक सवाल और है मेरा, 164 के तहत बयान दर्ज हुए थे, उसको लेकर भी आपने कुछ आईओ की भूमिका को लेकर या पुलिस की भूमिका को लेकर कुछ सवाल उठाए? बिल्कुल बिल्कुल, उस लड़की को वहां पे धमकाया गया है, आईओ इतना गलत करने लग रही है इस मामले में, वहां पे उसको धमकाया गया लड़की को, उसके तो ऐसे बयान लिख रखे हैं जज साहब के पास, हमने जब जज साहब के पास 164 के बयान हुए, हमारे जो रोहतक बार के प्रेसिडेंट हैं जो वो खुद लेके अंदर गए हैं कि ये मेरी भतीजी है इसका, वो लो जज के पास छोड़ के आए, उन्होंने जज साहब के को बताया गुड़िया ने कि जिन जिन का नाम था सबका नाम उन्होंने बता दिया, और अपने पास से अलग बयान उन्होंने बता दिया जी मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाई हुई है। आपके मुताबिक कुल कितने लोग इस गैंगरेप में शामिल रहे हैं? जब तक देखो लगभग 4 से 5 तो गाड़ी का मालिक, गाड़ी वाला जिन्होंने होटल में कि तुम ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जानकर है, कोई आईडी की जरूरत नहीं होती, सबसे बड़े ये। मेरा एक आखिरी सवाल है, पुलिस से कह रही है कि गैंगरेप नहीं हुआ, आप लोग बोल रहे हैं गैंगरेप हुआ है, अब आगे क्या? मेरे को ये बताओ क्या वो 13 से 14 साल की बच्ची, 14 साल की जो बच्ची है वो ये मतलब वो झूठ बोल रही है, पुलिस ये सच बताने लग रही है। पुलिस को अब तक गाड़ी रिकवर नहीं हुई है, गाड़ी वाले नहीं पकड़े गए हैं, होटल वाले नहीं पकड़े गए हैं, कुछ भी पुलिस इसमें करने लगी, ये कह रहे हैं कि गाड़ी में तो उसको टच भी नहीं किया गया, इतने कॉन्फिडेंस से पुलिस बोलने लग रही है कि गाड़ी में उसको टच नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि एक बच्चा कोई गैंग रेप गाड़ी के अंदर कर रहा है, 3 और बैठे हैं, उसको गैंग रेप उसका रेप होने देंगे क्या? सब शामिल रहे हैं उसमें क्या? अभी आज के समय में अगर कोई एक अच्छा भी काम करता ना, 5 लोग वहां बैठे उनकी भी राय नहीं मिलती है, तो गंदा काम, इतना जघन्य अपराध हुआ है, और कहने लग रहे एक ने रेप किया, क्या उस गाड़ी में बाकी सब उसको देख रहे थे, एक ने रेप किया? शुक्रिया। तो बसंत, ये इन लोगों का मानना है, जो इनकी भावना है, जो पता लगा है, जो फैक्ट इनके सामने आए हैं, उसके आधार पर इन्होंने काफी गंभीर सवाल उठाए हैं, खासतौर से सवाल होटल के जो मालिक हैं उनकी, जो चलाते होटल उनकी भूमिका को लेकर है, उसके अलावा जिस गाड़ी में उस बच्ची को लाया गया उसको लेकर बड़ा सवाल है, ये शुरुआत से उठ रहा है कि वो काले रंग की गाड़ी कौन चला रहा था, वो किस राजनेता की वो गाड़ी थी, वो सवाल आज भी कायम है, पुलिस ने आज भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। ओवर टू यू देवेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ। एक सवाल ये भी उठता है, देखिए परिजनों की तरफ से कहा गया है कि गैंगरेप को अंजाम दिया गया, पुलिस ये कह रही है कि गैंगरेप नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट जब नहीं आई तो पुलिस किस आधार पर देवेंद्र ये कह सकती है कि गैंगरेप नहीं हुआ?
जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जैसा परिजनों ने भी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस का आधार क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इसका जवाब तो कोई पुलिस अधिकारी या जो जांच से जुड़े जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो इन्वेस्टिगेशन आईओ जो है अधिकारी जो है जांच अधिकारी वो बेहतर दे पाएंगे। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे उनसे भी जल्दी से जल्दी जितना संपर्क हो उसके पुलिस की तरफ से किसी अधिकारी का ऑफिशियल बयान क्या आता है वो हम लोग ट्राई करेंगे उसके लिए। ठीक है देवेंद्र, हम प्रयास भी कर रहे हैं लगातार कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या फिर एसएचओ है उनसे संपर्क हो जाए, लेकिन कॉल को पिक नहीं किया जा रहा है। देवेंद्र, आगे इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपराध तो जघन्य अपराध है, किसी की बच्ची के साथ रेप हो जाए या गैंग रेप हो जाए उसके परिजन समझ सकते हैं, वो छात्रा समझ सकती है कि उसके साथ इतनी छोटी कम उम्र में आखिर हुआ क्या। देवेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए अपराध तो जघन्य है, जघनतम अपराध कहा जाएगा, क्योंकि रेप से बड़ा कोई अपराध किसी महिला के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी अस्मिता पे सीधा हमला है। 14-15 साल की एक बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत होता है, उसको दुनियादारी की समझ अभी नहीं है जी, जीवन भर उसको ये दर्द सालता रहेगा, उसके दिमाग में ये चीज कौंधती रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और रेप कोई सामान्य अपराध नहीं है बसंत, रेप एक मानसिकता है, और इसके खिलाफ जितना कठोर से कठोर फैसले आए उतना अच्छा है, ताकि लोगों में एक सबक मिले, लोगों को सबक मिले, गलत किस्म के जो काम करने की जो सोच रखते हैं जो लोग जो तत्व वैसे हैं उनको भी एक मैसेज दिया जा सके। जी ठीक है देवेंद्र, एक और मैं कहना चाहूंगा, एक और सवाल आप पूछिए, परिजन उनके आपके साथ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ देवेंद्र, हमारे साथ रोहतक से विधायक जुड़ चुके हैं बीबी बत्रा। बीबी बत्रा जी, फिलहाल ये बात कही जा रही है कि छात्रा से जो गैंग रेप है वो नहीं हुआ, केवल रेप हुआ है, तो वही जो छात्रा का बयान है वो कुछ और ही बयान कर रहा है। बत्रा जी, नहीं चलो, ये मेट्रो इन्वेस्टिगेशन है, जब पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है ये कुछ है, और इसमें ये बात तो ठीक है कि छात्रा नाबालिग है। ठीक है बत्रा जी, रोहतक पुलिस की आवाज मिल पा रही है आपको? और पास को एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आवाज मिल पा रही है आपको बत्रा जी? हाँ जी, आ रही आ रही। बत्रा साहब, मैं ये कह रहा था कि पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि गैंगरेप का मामला नहीं है, केवल रेप का मामला है, तो वहीं जो छात्रा के बयान है, छात्रा के परिजन है, वो ये कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती हुई, हालांकि पुलिस के पास अभी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स अभी नहीं आई। बत्रा जी, तो विदाउट मेडिकल रिपोर्ट हाउ द पुलिस इज मेकिंग स्टेटमेंट्स, अदरवाइज आल्सो अंडर 164 ऑफ द सीआरपीसी स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है बत्रा जी, सवाल तो यही है, आपने बस अंग्रेजी में दोहरा दिया वो एक बात अलग है, लेकिन सवाल मेन यही है कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है तो आखिर किस आधार पर, या फिर जो पीड़ित है वो पीड़ित के परिजन वो झूठ बोल रहे हैं क्या, कह सकते हैं आप? पीड़ित के परिजन की पीड़िता का झूठ बोल रही है, पीड़िता ने जो बयान दिया है वही बयान माने। ठीक है, पीड़िता भी यही कह रही है कि दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ। हाँ तो पीड़िता का बयान जो है वही वही सब कुछ करेगा, पीड़िता के बयान पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से ये लिख दिया गया कि गैंग रेप नहीं था, ओनली रेप था। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो वही देवेंद्र दांगी हमारे रोहतक ब्यूरो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी देखिए, बीबी बत्रा साहब हमारे साथ जुड़े, वो ये कहते नजर आए कि फिलहाल जो पीड़िता का बयान है वो चलेगा, पीड़िता के बयान के आधार पर ही कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब पीड़िता ने ये बयान दिया है तो पुलिस ने किस आधार पर कर दिया ये, लेकिन सवाल तो फिर वहीं का वहीं आ गया देवेंद्र जी कि पीड़िता के बयान अलग हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स आई नहीं है, क्या चल रहा है ये? जी बिल्कुल बसंत, देखिए ये एक बड़ा सवाल, और परिवार वालों ने भी यह सवाल उठाया, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है आप लोगों ने जैसा कि बताया, उसके बावजूद कैसे कुछ डिसाइड कर सकती है? यही तो बात मैं कह रहा हूँ, ऐसे कौन से सीसीटीवी या सैटेलाइट छोड़ रखे थे गाड़ी के ऊपर, वो इतने कॉन्फिडेंस से कहने लग रहे हैं कि गाड़ी के अंदर लड़की को टच तक नहीं किया गया, गाड़ी में रेप नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, इतनी और गाड़ी को रिकवर अब तक नहीं किया है,
ये देखो ना, अभी तो क्या है, गाड़ी के हो सकता है गाड़ी के अंदर का सब कुछ चेंज भी कर दिया जाए, बहुत सारे सबूत उसके अंदर से मिटा भी दे, बहुत बड़ी साजिश है इस केस के अंदर, छोटी बातें बहुत बड़ी राजनीति होने लग रही है। मेडिकल रिपोर्ट के बगैर पुलिस किस आधार पे कह सकती है, इतनी बड़ी जांच एजेंसी नहीं है इनके पास, जो अब तक किसी को पकड़ नहीं पा रहे वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि गाड़ी में किसी को टच ही नहीं किया। क्या अब ये चीज संभव है गाड़ी में कि एक कोई रेप करने लग रहा है और बाकी उसको देखने लग रहे हैं, क्या उसको छुटवाएंगे? उसके बाद ये देखो होटल वालों को कितने कॉन्फिडेंस से लोग बचाने लग रहे हैं होटल वाले को, जबकि उसने होटल वाले ने इन्फॉर्म करना चाहिए था पुलिस को, स्कूल की ड्रेस में एक बच्ची आई है उसके साथ ऐसा करने लगे, वो गलत है बिल्कुल, स्कूल की यूनिफॉर्म में कोई बच्ची है तो उसको एंट्री ही नहीं जानी चाहिए। कॉन्फिडेंस देखो ना पुलिस का कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, उसके साथ ये करें एक ने रेप किया है और बाकी किसी ने कुछ किया नहीं, वही बात आ गई ना, होटल वाले को बचाना है, गाड़ी वाले को बचाना है, मंत्री का प्रेशर है। ठीक है, अब ग्रोवर साहब बताएंगे कि क्या मामला है। ठीक है, चलिए जी बसंत होगा कि जो इनका सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है। जी बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वही अब सवाल ये खड़ा होता है।